देखिए काउंटिंग में हमने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्कता बरतने का आह्वान किया है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, मतगणना में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में हैं, और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के माध्यम से गड़बड़ी करने की संभावना होती है। तो इसके लिए हमने कहा है कि वो जरा सभी प्रत्याशियों के को मिलने वाले वोट को वो नोट करें, और जो एआरओ है वो सतर्कता के साथ में उसकी टोटलिंग को देखे कि कहीं कोई निर्दलीयों के वोट, कोई अन्य पार्टियों के वोट कांग्रेस पार्टी के साथ में ना जोड़ दिए जाएं। इस बात की हमने सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। स्ट्रांग रूम के बाहर जो पहले पंडाल लगता था कार्यकर्ताओं का, समय सभी पार्टियों की, इस बार इजाजत नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा? देखिए वैसे भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज इसमें लगी हैं, और सेंट्रल फोर्सेज को तो वो देश के प्रति समर्पण की शपथ लेते हैं, उनको किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, उनको तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, इस बात का ये होता है। तो मुझे लगता है इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भिलाई में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, वहाँ पर प्रदूषित रामायण करके किताब लाया गया, जिसको लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है, पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। देखिए कांग्रेस पार्टी शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और जहाँ पर मुख्यमंत्री जी के पिताश्री हमारे भगवान के विरुद्ध में अनर्गल बातें करते हैं, उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। ये फर्स्ट टाइम होता है महिलाओं को आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपके पक्ष में गए हैं, वहीं कांग्रेस भी इस तरह का दावा कर रही है, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों ने इन लोगों ने आपको? देखिए आप देखिए कि कांग्रेस ने ऐसी कोई नई बात नहीं की है जिससे कि वो फर्स्ट टाइम वोटर को या वो महिलाओं को या वो मजदूरों को आकर्षित कर पाए। पहली बार बीजेपी ने शहरी मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग के लिए आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने उनके लिए कोई योजना नहीं लाई थी। ये जो 12,000 रुपये साल का महिलाओं को देने की जो योजना है, उस योजना ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया है। साथ में जो पीएससी का घोटाला है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की और 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, उसको लेकर युवाओं में बड़ा आक्रोश है, और वो आक्रोश वोट के रूप में परिवर्तित होगा, और मोदी जी के प्रति पूरे देश में, युवाओं में, महिलाओं में, सब में एक विश्वास की भावना जागृत हुई है, और मोदी जी की जो गारंटी है उसके कारण मुझे लगता है कि किसान को भी जो हमने कहा है कि एक मुश्त उसको अतिरिक्त पैसा देंगे, जो छोटा किसान है, लगभग 70% किसान जो है वो मार्जिनल किसान है, और उसको जब 10,000 रुपये 4 किस्त में मिलता है तो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है। बीजेपी ने यह वादा किया कि हम एक बार में देंगे, तो उससे भी छोटे किसानों में एक विश्वास जगा है और उसने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, और इसलिए चारों तरफ का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। अब जैसे बस्तर की बात करें या सरगुजा की बात करें, अब बस्तर और सरगुजा की 26 सीटों में बीजेपी 16 से ज़्यादा सीटें जीत रही है, ये तो कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं, और ये कहते हैं कि बस्तर और सरगुजा सरकार बनाती है तो अगर उसमें 26 में से 16 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है तो सरकार बनना लगभग सुनिश्चित है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.